दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो के थ्रू आप सभी को बताया था कि इंडिया के और 2 अलग-अलग एरिया के अंदर बीएसएनएल ने अपना 4G लॉन्च कर दिया है। और उसी दौरान आप सभी को ये भी बताया था कि बीएसएनएल जो है वो हर 3 या 4 दिन के अंदर कहीं ना कहीं पर अपना 4G लॉन्च कर ही रहा है। ठीक है, एक्चुअल में बीएसएनएल जितना डिले 2-3 साल तक था कर रहा था 4G लॉन्च करने में, वो अभी नहीं है। अभी दोस्तों बीएसएनएल आगे से बहुत हद तक सुधर चुका है और दिवाली 2023 के बाद से बीएसएनएल जो है बहुत ही जोरों शोरों से काम करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे एरिया के अंदर ऑलरेडी अपना 4G लॉन्च कर दिया है और बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पर काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन जोरों शोरों से ही काम चल रहा है। हाँ, अगर आप प्राइवेट कंपनी से कंपेयर करेंगे, जैसे कि जियो और एयरटेल जिस तरह से मतलब दबा के अपना 5G लॉन्च कर रहा है, उस तरह का काम तो नहीं हो रहा है। एक्चुअल में ये प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में फर्क होता है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी का जो एम्प्लॉयज होता है वो आपको पता ही है कैसे है, और सिर्फ एम्प्लॉयज के ऊपर भी आप यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते, ऊपर भी बहुत सारे काम होता है, तो इसीलिए थोड़ा डिले हो ही जाता है। और इंडिजिनियस वही से रेडी हो रहा था, तो इंडिजिनियस वही से ही ये सब कुछ कर रहा है काम, तो इसीलिए थोड़ा बहुत डिले हो चुका है, लेकिन अभी जोरों शोरों से काम चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर ऑलरेडी बीएसएनएल ने 4G लॉन्च कर दिया है, बहुत सारे ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पर 4G का टेस्टिंग वगैरह भी चल रहा है, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको और एक एरिया के बारे में बताता हूँ जहाँ पर बीएसएनएल अपना 4G लॉन्च कर दिया है। ये एरिया जो है ये जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का बारामूला, बारामूला जो कि अभी इसका नाम हो चुका है वड़ाह सित्रा। ठीक है, वड़ाह जो है ये भगवान विष्णु का एक अवतार है, तो वड़ाह सित्रा जो है ये नाम हो चुका है, न्यू नेम है बारामूला का। तो बारामूला में अभी बीएसएनएल की तरफ से 4G मिल रहा है। हालांकि बारामूला जो है पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पर कभी कभार कुछ कुछ जगह के अंदर 4G पकड़ता था, बीएसएनएल की बात कर रहा हूँ, बीएसएनएल की तरफ से 4G मिलता था, लेकिन अभी जो है पूरे के पूरे बारामूला जो है बीएसएनएल 4G से कवर हो चुका है। और बारामूला के आसपास जो एरिया है, सराउंडिंग जो प्लेसेस है, वहां पर भी कभी कभार 4G पकड़ रहा है, कभी कभार 4G स्पीड मिल रहा है। कुछ कुछ लोग कमेंट करके मुझे बताया है, मैसेज करके भी बताया है। ठीक है, और बारामूला से बहुत सारे मैसेज आ रहा है जहाँ पर लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा 4G अभी मिल रहा है। ठीक है, वड़ाह सत्र में, तो अगर आप वड़ाह सत्र से बिलोंग करते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा आपको अभी कैसा स्पीड मिल रहा है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर अभी टेस्टिंग भी चल रहा है और बहुत जल्दी जो है अपडेट आने वाला है कि यहाँ यहाँ लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके एरिया पे कब आएगा या कब लॉन्च होगा, तो मेरे साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि हर एक दिन मैं आपको बीएसएनएल रिलेटेड अपडेट देता हूँ और 3-4 दिन के अंदर अंदर ही बीएसएनएल कहीं ना कहीं अपना 4G लॉन्च करता ही है। उसके बारे में आपको अगर जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए। क्योंकि आज के लिए ये एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।